आई चोर सीतापुर की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, कैसे वहां पर भेड़िए का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात करें लखीमपुर खीरी की, दरअसल उससे तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी है और अब वहां पर आदमखोर बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है पुनीता, 4 लोगों को ये अभी तक अपना निशाना बना चुका है। बिल्कुल, और यही वजह है कि लखीमपुर खीरी के जो लोग हैं अब ना सिर्फ रात में बल्कि दिन में भी निकलने इससे पहले 100 बार सोचते हैं, उन्हें डर लगता है कि कब वो बाघ का शिकार बन जाए। और ऐसे में अब बाघ को पकड़ने के लिए वहां पर मुस्तैदी दिखाई जा रही है, 4 पिंजरे बिछाए गए हैं, इसके अलावा 25 कैमरे से भी तलाश जारी है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूपी के बहराइच में अभी भेड़ियों का आतंक कम भी नहीं हुआ था कि अब भेड़ियों ने सीतापुर में कोहराम मचाना शुरू कर दिया। आदमखोर भेड़िए आम लोगों को अब शिकार बना रहे हैं। इधर लखीमपुर खीरी में अब बाघ का तांडव शुरू हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, बाघ का तांडव। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, वन विभाग ने खेतों में पिंजरे लगा दिए हैं, पिंजरे में बाघ का चारा भी है ताकि लालच में आकर बाघ पिंजरे में फंस जाए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बाघ का आतंक है और इस बाघ के आतंक से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए बाकायदा 4 पिंजरे लगाए गए हैं। एक पिंजरा हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर इस पिंजरे को लगाया गया है ताकि इस पिंजरे में उसे कैद किया जा सके। बाकायदा यहाँ पर जो बकरी है वो बांधी गई है जो इस पिंजरे के अंदर बांधी जाएगी और इसका लालच दे करके उसके बाद बाघ को इस पिंजरे में कैद किया जाएगा। जैसे ही बाघ बकरी का लालच दे करके अंदर जाएगा, अंदर तुरंत कैद हो जाएगा। बाघ की खोजबीन के लिए ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, वन विभाग के अधिकारी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द बाघ को पकड़ने की बात कही जा रही है। टाइगर को पकड़ने के लिए हम लोग जैसे 4 पिंजरे अभी लगाए हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले है कि हमें ट्रेस करना है कि टाइगर का प्रॉपर लोकेशन क्या है, क्योंकि टाइगर एक बहुत मूव करने वाला जानवर है। एक दिन में आराम से वो 5 से 10 किलोमीटर तक मूव कर लेता है। दरअसल बाघ ने मंगलवार की शाम खेत में काम करने गए एक किसान पर हमला कर उसे मार डाला। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने बुधवार को मृतक का शव सड़क पर रखकर हंगामा किया। मृतक अमरीश के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जिस दिन पापा का देहांत हुआ, मेरा सेकंड राउंड था जो मुझे देना था, तो वो तो मैं नहीं दे पाया क्योंकि हालात नहीं थे ऐसे। तो मैंने फिर काफ़ी वहाँ माननीय विधायक जी भी तो वहीं आए थे, तो मैंने कहा था घर पे कोई है नहीं कमाने वाला, पापा थे वो तो चले गए, तो मुझे भी एक कुछ गवर्नमेंट जॉब वगैरह दी जाए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं, क्योंकि और कोई है नहीं घर पे। हमलावर बाघ को कैद करने के लिए पिंजरों की संख्या बढ़ा दी गई है, कैमरों की संख्या 24 कर दी गई है, ड्रोन भी उड़ाए जा रहे हैं। वन कर्मियों की टीम गन्ने के आसपास गश्त कर रही है। वन विभाग का मानना है कि बाघ बहुत जल्द कैद में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पहले बहराइच में भेड़िए का आतंक और अब लखीमपुर में दहशत बाघ को लेकर देखने को मिल रही है। किस तरीके से बहराइच से लेकर लखीमपुर तक लोग जो है दहशत में है, ये आपको समझाते हैं कि 2 से 3 भेड़ियों का भय जो है वो इस वक्त बहराइच में देखने को मिल रहा है। वहीं बाघ के आतंक की बात करें तो यहाँ पर भी लोग जो डरे हुए हैं क्योंकि अब तक 4 लोगों के निशाना बना चुके हैं और बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए 4 पिंजरा लगाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें लखीमपुर की, तो यहाँ पर 4 पिंजरा लगाया गया है बाघ को पकड़ने के लिए। तो भेड़िया वर्सेज बाघ का दहशत लगातार देखने को मिल रहा है। ड्रोन से लगातार निगरानी रखी जा रही है, तलाश की जा रही है। इसके अलावा ड्रोन से खोज जो है लखीमपुर खीरी में भी बाघ की जा रही है। कई जगह कैमरे लगाए गए हैं, वहीं 24 कैमरे लगाए गए हैं ताकि जल्द से जल्द बाघ को पकड़ा जाए। प्रशासन की खोजबीन लगातार जारी है।
वन विभाग की टीम मुस्तैद वहां पर नजर आ रही है। लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर यहां पर देखिए वन विभाग की टीम जो है कड़ी मशक्कत कर रही है कि बाघ तक पहुंचा जाए लखीमपुर खीरी में। वहीं बहराइच की बात करें तो आखिरी बार 26 अगस्त को अटैक किया गया था, लेकिन राहत की बात है कि इसके बाद जो है ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई बहराइच से कि किसी को शिकार बनाया गया हो। लखीमपुर खीरी की बात करें तो 27 अगस्त को हमला किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि अब तक जो है 4 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। बहराइच में भेड़ियों की आतंक की वजह से 9 लोगों की जान गई है, जिसमें 8 बच्चे हैं, 1 महिला है। वहीं 4 लोगों की मौत हो चुकी है लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत की वजह से। लोग जो है लखीमपुर खीरी में भी डर के साए में जीने को मजबूर है। और अगली जो खबर है वो एक सवाल के साथ कि क्या बंगाल में कुछ बड़ा होगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि कोलकाता रेप कांड को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन जारी है। उधर विपक्ष सरकार के खिलाफ धरना दे रहा है तो सरकार भी धरने पर उतर आती है, लेकिन अब मुद्दा दिल्ली दस्तक दे चुका है। तो क्या कोलकाता में जो हालात बने हैं उसके बाद बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर मामले में सीबीआई फुल एक्शन में है। सीबीआई जल्द ही बड़े एक्शन की तैयारी में है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ, 10 लोगों की पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद सीबीआई केस को सुलझाने के अब लगभग मुहाने पर पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 1 से 2 दिन में बड़ा एक्शन हो सकता है। सीबीआई जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती। अब तक संजय रॉय को ही मुख्य आरोपी माना जा रहा है, हालांकि सीबीआई संदीप घोष से भी लगातार पूछताछ कर रही है। संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, लेकिन सीबीआई संदीप घोष के बयानों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। अब तक संदीप घोष को सीबीआई की क्लीन चिट नहीं मिली है। मामला भले ही संवेदनशील और गंभीर हो, लेकिन रेप और मर्डर केस में बंगाल की सियासत गर्म है। कोलकाता रेप कांड में बीजेपी अब न्याय की मांग को लेकर धरना कर रही है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने 1 हफ्ते में दूसरी बार शुक्रवार को गृह मंत्री से मुलाकात की और प्रदेश के हालात के बारे में जानकारी दी। तो क्या बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी दस्तक दिल्ली तक पहुंच चुकी है? क्योंकि ममता दीदी जिस तरीके से बयानबाजी करने पर मजबूर हैं, उससे यही लगने लगा है कि ममता अब बैकफुट पर है और बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। संविधान खतरे में कैसे हो सकता है, इसकी आपको बानगी देखनी है तो पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, जहां का मंत्री कहता है कि जो उंगली उठेगी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ वो तोड़ दी जाएगी। बंगाल के महिला जिसके ऊपर रोज अत्याचार हो रहे, उसके लिए इन लोग आवाज नहीं उठाते हैं, मुख्यमंत्री का तोशामोदी करते हैं। हम लोग गए थे, उनका डेथ सर्टिफिकेट लिखकर आ गए, डेथ सर्टिफिकेट दे दिए, और 3 दिन बाद इनका जो श्राद्ध होता है ना, वो श्राद्ध का क्रियाकर्म होगा। आप सबको हमको हमारा तरफ से इन्विटेशन है। ये सुनियोजित तरीके से सोच समझ के सारे छानबीन में गड़बड़ी करते हुए मुद्दा को टालने का कोशिश किए गए, जिसके चलते आज तक हमें यह नहीं पता चली कि असली अपराधी कौन है।